प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। बहुत अच्छी बात और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है शैला। वाकई में मैंने बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एक्सट्रेडिशन केस के माध्यम से मुझे मौका मिला है विजिट करने का और मैंने देखा है। आए दिन मैं नेशनल मीडिया पर भी बैठे रहती हूँ तो बाहर के बारे में भी सब सारी जानकारी होते रहती है और हम न्यूज से काफी ज्यादा और देश विदेश की खबरों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं और केसेस भी सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के लोअर कोर्ट तक ऐसे केसेस आते हैं कि हर एक मैटर से और अक्यूज की काउंटिंग से हमें वाबिस्तगी होती रहती है। हम आंकड़े बहुत आराम से बता सकते हैं क्योंकि हमें हमारे पास गैजेट्स होते हैं, हमारे पास सारे कोर्ट के जो लिस्ट होते हैं वो होते हैं तो हमें समझ में आता है और आंकड़े जो है वो डेटा हम बहुत स्पेसिफिकली दे सकते हैं। बहुत सही बात, आपने सवाल बहुत सही किया है कि हमेशा हमने ये बात सुनी है कि पाकिस्तान में छोटे से छोटा बच्चा हो, जवान हो। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी आवाम जो है 76 सालों से यही जानती है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जब मैं रोड शो करती हूँ और जब मैं भारत का जिक्र करती हूँ तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि बेशक भारत दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बेशक वहाँ पर बहुत तरक्की है, लेकिन उन्होंने जो अपने मुल्क की माइनॉरिटी है जो कि स्पेसिफिकली मुसलमान का नाम लेके कहते हैं कि उन्होंने उन पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत जुल्म किया है, बहुत ऐसी वीडियोस है जो कि सबूत पेश करती हैं कि भारत कभी मुसलमानों का नहीं हो सकता। आप क्योंकि एक रिनाउंड वकील भी हैं, आप एक मुसलमान लड़की भी हैं और इसके साथ साथ आपको ये ऑनर भी है कि आप बहुत से स्टेट विजिट कर चुकी है, पाकिस्तान को नहीं विजिट किया लेकिन इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज को भी विजिट कर चुकी हैं। क्या हकीकत है जी भारत के अंदर मुसलमानों की? क्या जो पाकिस्तान का हर शहरी बोलता है क्या वो सच है या कुछ ऐसा भी मौजूद है जो कि हमारी आंखों से अभी पसे पड़ता है? क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत अच्छी बात और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है शैला। वाकई में मैंने बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एक्सट्रेडिशन केस के माध्यम से मुझे मौका मिला है विजिट करने का और मैंने देखा है। आए दिन मैं नेशनल मीडिया पर भी बैठे रहती हूँ तो बाहर के बारे में भी सब सारी जानकारी होते रहती है और हम न्यूज से काफी ज्यादा और देश विदेश की खबरों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं और केसेस भी सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के लोअर कोर्ट तक ऐसे केसेस आते हैं कि हर एक मैटर से और अक्यूज की काउंटिंग से हमें वाबिस्तगी होती रहती है। हम आंकड़े बहुत आराम से बता सकते हैं क्योंकि हमें हमारे पास गैजेट्स होते हैं, हमारे पास सारे कोर्ट के जो लिस्ट होते हैं वो होते हैं तो हमें समझ में आता है और आंकड़े जो है वो डेटा हम बहुत स्पेसिफिकली दे सकते हैं। बहुत सही बात, आपने सवाल बहुत सही किया है कि हमेशा हमने ये बात सुनी है कि पाकिस्तान में छोटे से छोटा बच्चा हो, जवान हो, टीन एज का हो, बूढ़ा हो या कोई महिलाएं हो, सबके जुबान पर एक ही बात रहती है कि देखो भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट फिगर रखना चाह रही हूँ आपके सामने और ऐसे फैक्ट फिगर रखूंगी जिससे लोगों का के अंदर जो ये मिसकंसेप्शन है या इनेक्शियस जो है वो निकल सकता है। ठीक हो गया। मैं जिसे भारत कहती हूँ और आप जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वहां पर 82.7% वाले सनातनियों का भारत है, ये हम सबको पता है और यही वजह है कि भारत के पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम मुसलमान इस बात को चीख चीख कर कहते हैं कि 82.7% मेजॉरिटी सनातनियों की है तो मुसलमान खुश कैसे रह सकता है। अब बात आती है कि ये भारत 82.7% सनातनियों का होने के बावजूद मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है और मस्जिदों का मालिक मौलवी इमाम और मुसलमान समाज के ठेकेदार होते हैं, जबकि उन मस्जिदों के रेनोवेशन का
उन मस्जिदों के अंदर के कामकाज, उन मस्जिदों का इमाम बहता और मुअज्जिन बहता भी सरकार ही देती है, लेकिन फिर भी मस्जिद जो है वो उसके ठेकेदार खुद इमाम और मौलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनकर के बैठा हुआ है, जबकि मंदिरों का कंट्रोल, मंदिरों के चंदा का कंट्रोल सबका सब वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इवन मंदिरें जो है वो टैक्स पे करती हैं और मस्जिदें चंदा वसूली करती हैं। इसी भारत में हमारे एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो फिरंगी औरत सोनिया गांधी का के आंचल में छुप 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 करके चलते थे। उन्होंने कहा था अपने अपने स्टेटमेंट में कि भारत देश के संसाधनों पर मुसलमान का सबसे बड़ा हक है। हिंदू धर्म को गाली देने वाला स्टेलिन का पुत्र मंत्री बन करके बैठा है, जो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया था, उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रख दिया गया। 40 लाख हिंदुओं को मारने वाला और काशी विश्वनाथ पर कब्जा करने वाला औरंगजेब जिंदाबाद के नारे को लगाने के लिए अवेसी जोड़ा अवेसी काफी है। उनकी हर पब्लिक गैदरिंग मीटिंग में औरंगजेब के नारे लगते हैं, जबकि उन्होंने 40 लाख हिंदुओं को एक साथ मारा था और काशी विश्वनाथ पर कब्जा भी किया था। हत्यारे बाबर के नाम पर दिल्ली में बाबर रोड भी मिल जाता है आज भी, और बाबरी मस्जिद के नाम पर आज भी मातम और ब्लैक डे सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट के बावजूद भी मुसलमान मनाते हैं और एक फेस्टिवल के स्वरूप मनाते हैं। चित्तौड़ में राजपूतों का गला काटने वाला अकबर आज भी भारत में महान है, और अकबर रोड नाम भी कांग्रेस के गांधी परिवार ने आज भी जो रखा था वो आज भी रखा हुआ है। सनातन देश में सनातन के खिलाफ खुले आम जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और खुले आम सनातनियों को गाली दिया जाता है। पिछले 76 साल में सनातनियों को इतनी अभद्र भाषाओं से गाली दी गई है, मंदिरों पर कब्जा किया गया है, साजिशें की गई हैं, हिंदू बेटियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके लव जिहाद किया गया है, और बोटियां भी काटी गई हैं हिंदू बेटियों के, क्रिश्चियन बेटियों का बलात्कार भी मुसलमानों ने किया है। खुले आम हिंदुओं को काफिर बोला जाता है, और कई बार नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके टीवी के एंकरों को भी हमारे मौलवी मुल्ला काफिर बोलने से एक पल के लिए भी हिचकिचाते नहीं है और खुले आम काफिर कहते हैं। और जब मैं उस पूरी तकरीर को पूरा करती हूँ कि भाई काफिर का तो गला काटा जाता है इस्लाम मजहब की किताब के हिसाब से, तो क्या आप एंकर साहब का भी गला काट दीजिएगा? तो कहा जाता है कि वक्त आने पर काट देंगे। अब बात आती है कि मैं पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि 76 साल में कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया, गांधी परिवार का कोई भी प्रधानमंत्री हो, मनमोहन सिंह हो या कोई भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ही जो भारतीय जनता पार्टी के थे वही गए थे पाकिस्तान, और मोदी जी ही गए थे पाकिस्तान। अब बात आती है कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जितने कार्य किए हैं और जितने काम किए हैं उससे 76 साल में 10 प्राइम मिनिस्टर के दौरे में अगर खंगाल कर निकाला जाए तो जितना काम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है, उतना कभी किसी ने 0.1% भी नहीं किया था जितना मोदी जी ने किया है। देखिए बात ऐसी है शाला कि मुसलमानों की फितरत है भीख मांगना, फितरत जकात मांगना, चंदा मांगना और फिर नफरत और आतंक फैलाना जिहाद के नाम पर और मजहब की किताब के नाम पर। मजहब के नाम पर पहले ही फैसला हो चुका था, नेहरू जी, माउंटबेटन और जिन्ना के भरोसे हमारे भारत के टुकड़े और सीना चीर दिया गया था, पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे में दे दिया गया था, फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, जबकि संविधान हमारे भारत में है ही है, फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तरजीह दी गई। जिस 14% गरीबी कौम के बारे में बात की जा रही है, वो 14% कोई ये ना भूले कि 72 फिरकों में भी बटी हुई है, कुरान के सख्त मना करने के बावजूद भी भारत में मुसलमान के 72 फिरके हैं और जिसको हवा देने का काम सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमान करता है, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमान करता है। अब बात आती है कि 98% रेप कौन करता है? मुसलमान करता है, आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। लूटपाट और डकैती में और चोरी में और पिक पॉकेट में 50% कौन है? मुसलमान है। आतंकवाद में 98% कौन है? मुसलमान है।
खैराती सब्सिडी का लाभ उठाने वाला सबसे आगे कौन है? मुसलमान है 88% खैराती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन और इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों की दुनाई की बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो भारत में रह के भारत को गाली देते हैं। वो एहसान फरामोश लोग जो भारत में रहते हैं, खाते तो भारत का है, यहाँ पे पूरी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको एंजॉय करते हैं, सब्सिडीज लेते हैं, पर फिर भी भारत को गाली देते हैं, ये उन लोगों की वीडियो है। उन लोगों की आंखें अब तो खुल जानी चाहिए। और ये सही बात है कि भारत सनातनी देश है, यहाँ पे जो मेजोरिटी है 82% वो सनातनी है, शायद इसलिए मिनोरिटीज भी यहाँ पे बहुत सुख और शांति से रहती हैं। बाकी कोई इसके बाद भी हमें काफिर कहना चाहता है तो कह सकता है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।